पिजामा नहीं पहनाया गया, जिसके चलते शिक्षक जो ये अभिभावक है वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। क्या राजस्थान सरकार ने पहल करके शायद देश के कई राज्यों की तुलना में और राजस्थान में पिछली सरकारों की तुलना में सी सेक्टर विधानसभा में लाए, उसे पारित करवाया, उसके नियमबंधन बनाए और आज लगभग 26,000 स्कूलों ने फीस की कमेटी बना करके फीस तय की जो उन्होंने पोर्टल पर लोड की है। फिर भी अभी कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने नहीं की है। पेरेंट्स से जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है हम संबंधित फीस एक्ट के नियमों के तहत उस पर कार्रवाई की प्रारंभ की है और अभी भी शिकायत के नाम पर मैं समझता हूँ कि रिटर्न में शिकायत जो भी अभी मेरे पास जयपुर के भी एक दो स्कूल के आए, मैंने उनको कहा कि आप शिकायत करें, जो फीस एक्ट के अंदर नियम है उसके तहत निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी। कार्रवाई किस तरह की उसने एक्ट में सारे डिफाइंड है। तो कांग्रेस अब ये अपन बचाओ इस तरह का आंदोलन शुरू करने जा रही है क्या? कांग्रेस तो केवल एक सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए इस प्रकार की करी है, क्योंकि कांग्रेस भी राज में थी पिछले 5 साल, उन्होंने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। फीस पहले भी बढ़ी, हमने तो पहल करके ये इस बेस्ट मॉडल किया कि जिसने फीस कमेटी के तहत उस स्कूल के 3 अध्यापक और 2 मैनेजमेंट के लोग और 5 पेरेंट्स ये मिलकर के फीस तय करें और पेरेंट्स भी उसका प्रोविज़न है कि लॉटरी के द्वारा निकाले जाएंगे। अब उस लॉटरी के निकालने के बाद ये दोनों तय हैं, अभी भी आज भी मैंने एक अखबार पढ़ा था कहीं तो 7-8% पेरेंट्स की तय से बढ़ी है। कुछ एक सेलेक्टेड स्कूल्स होंगे, निश्चित रूप से उनको मैंने पेरेंट्स को कहा है आप हमारे पास शिकायत भेजें, मैं नियमानुसार अपने विभाग को निर्देशित करूँगा और DOs को भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जिस जिस स्कूल की कोई शिकायत आए उस पर तत्काल संज्ञान लेकर के अपेक्षित कार्रवाई प्रारंभ करें। फोन में कर दूँ आगे ठीक है। 2016 एक्ट के अनुसार स्कूल प्रशासन एक अभिभावकों की कमेटी का गठन करता है जिसमें 5 अभिभावकों का चयन होता है, वो लॉटरी सिस्टम के अनुसार उसका चयन किया जाता है। वो और प्रशासन मिलकर ये स्कूल की फीस का बढ़ोतरी का नियम तय करते हैं। जो ये स्कूल प्रशासन बिना अभिभावकों की कमेटी गठन किए और उसके खिलाफ बढ़ा देते हैं और वो भी मनमानी ढंग से बढ़ाया जाता है जिसमें मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को दी नहीं जाती है। ये सबसे बड़ा एक इसके अंदर आधार है। स्कूल हर चीज़ का तो ब्रोशर के अंदर लिखता है कि हम ये चीज़ दे रहे हैं या ये चीज़ दे रहे हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि हमने आपके ये कमेटी का ये नंबर है, आप इनसे संपर्क करो और ये बिना आधार के ये फीस लोग बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी मेन चिंता ये है, आपसे एक्टिविटी के पैसे ले रहे हैं। स्विमिंग पूल स्कूल के अंदर है लेकिन वो है ना भारी लोगों के लिए खोला जाता है, स्कूल के बच्चों को वो स्विमिंग पूल नहीं सिखाया जाता है, उसके चार्जेस अलग दिए जाते हैं। फिर स्कूल में स्विमिंग पूल क्यों है जब वो आपको उसको स्कूल के स्विमिंग पूल पे बेचना है, आप स्कूल के गेम्स के फीस चार्ज ले रहे हो तो फिर किस बात की हम आपको फीस दें? हर चीज़ तो बेची जा रही है स्कूल के अंदर, आपका कोच बिक रहा है, उसके आप पैसे दो, इस चीज़ के पैसे दो, किताबों के पैसे दो, सारी चीज़ के तो आप पैसे दो। 2016
जी बिल्कुल सर, यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस ऑफिस से उस ऑफिस जाइए, उस ऑफिस से इस ऑफिस जाइए, मतलब चप्पलें घिस जाएंगी। और 20 तारीख लास्ट डेट है और 20 तारीख के पहले हमें यहाँ पे फीस जमा करवानी है। और 24 से 48% का रेशो इन्होंने बढ़ाया है, और जिसके नाम पर फैसिलिटी के नाम पर बढ़ाया गया है, और 7 पे के नाम से वो फीस बढ़ा रहे, जिसका हमें वो कुछ भी मतलब उसके लिए हमें बेनिफिट कुछ नहीं है। पिछले 5 सालों में भी हमसे जो फीस ली है उन्होंने, उसका हमें कुछ भी बेनिफिट्स नहीं दिया गया है। और अभी भी ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, उस नाम पे कोई फैसिलिटी नहीं है। जो लीगल एक एक्ट आया है 2017 के अंदर, उसके ऊपर बोला गया है कि किसी भी स्कूल में ये तो नहीं किया गया है कि जो एक कमिटी मेम्बर होना चाहिए, जो पेरेंट्स की कमिटी होनी चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है, नाम बता दीजिए। आरती मित्तल। आवास पे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं, सारे पेरेंट्स बड़े परेशान हैं, हर साल फीस बढ़ रही है और इस बार तो फीस 24 से 41% फीस इंक्रीज हुई है, और पिछले 5 सालों से कंटिन्यूस हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज तो बढ़ रहा है। उस नाम पे फीस बढ़ा रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ तो दीजिए बच्चों को। पंखे नहीं है, बाथरूम साफ़ नहीं है, डिजिटल क्या कहते हैं क्लासरूम के नाम पे पैसे आप ले रहे हैं, वो आप प्रोवाइड नहीं करवा रहे। पानी हम लोग हमारे बच्चों को स्कूल का पानी तक नहीं पीने दे सकते, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली द फिल्टर वाटर फिल्टर इज नॉट वाटर फिल्टर इज नॉट, उसमें चींटियाँ निकलती है, मतलब बच्चे बहुत परेशान हैं, स्मेल आती है। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है नीलांबरी पारदसानी।